बेरोजगारों को धोखा दे करके कहा था कि एक एक साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन जिस प्रकार की सरकार के नेतृत्व की नियत रही और इनके नेतृत्व में खोट रहा, हेमंत सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने राज्य को के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम, इसलिए इस राज्य में जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग है, जहां छापे पड़ते हैं करोड़ों करोड़ के दस्तावेज, जन विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है, विकास से मुक्त सरकार है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार की ताबूत पर कील ठोकने का हम सब लोग काम करें। हमारे पास संसाधन का अभाव है, नहीं तो संख्या तो इतनी आए कि रांची की जनसंख्या के बराबर आएगी, इतना जबरदस्त आक्रोश। जब जब विदेश जाते, एक बार नहीं 7 बार विदेश में मेरे पास प्रमाण है कि भारत माँ को अपमानित करने का काम किया, संसद को अपमानित करने का काम किया, लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया और न्यायपालिका को अपमानित करने वाला नेता देश में स्वीकार्य नहीं। पार्टी के सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश के सभी मोर्चा के अध्यक्ष, पार्टी के सभी जिला के प्रभारी और सभी सम्मानित विधायकों की बैठक संपन्न हो रही है, जहां हम इस बैठक में 2 विषयों पर हम सब लोगों ने बहुत गहराई से विचार करते हुए आगे कार्य योजना बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। एक तरफ संगठनात्मक विस्तार के लिए जहां बूथों के सशक्तिकरण का हम सब लोग अभियान चला रहे हैं, उसकी हम सब लोगों ने रिपोर्ट ली। आने वाले समय के लिए स्थापना दिवस हमारा 6 अप्रैल को है, उसकी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई। साथ ही साथ सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय का भी हम लोगों ने संकल्प लिया और उस दृष्टिकोण से ऐसे कई स्वच्छता अभियान से लेकर के निशुल्क चिकित्सा से लेकर ऐसे कई कार्यक्रमों का पूरे प्रदेश में आयोजन पार्टी करेगी। लेकिन उसके अलावा एक ऐसे विषयों पर भी गंभीरता से विचार हुआ, राज्य सरकार की कार्यशैली, उसकी नियत और नेतृत्व की अक्षमता, भ्रष्टाचार का बोलबाला, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लगातार इस राज्य की सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार, चुनाव के पहले जो संकल्प लिया था जनता को धोखा दे करके, नौजवानों को धोखा दे करके, बेरोजगारों को धोखा दे करके कहा था कि एक साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन जिस प्रकार की सरकार के नेतृत्व की नियत रही और इनके नेतृत्व में खोट रहा, हेमंत सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने राज्य को के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, लगातार कई उलझने पैदा करके राज्य में और एक नया निराशा का वातावरण पैदा करने किया, नौजवानों के साथ नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, विकास की उल्टी गिनती इनके शासनकाल में हुआ है, वित्तीय अराजकता और वित्तीय अनियमितता इस राज्य में बहुत तेजी से फैला है, जिसका उदाहरण है कि एक दिन में 5,000 करोड़ मार्च लूट में एक ही रात में निकाला गया। इस सरकार पूरी तरह से फाइनेंशियल एनार्कीजियम, जिसको कह सकते हैं, वित्तीय अराजकता की ओर बढ़ रहा है।
इसलिए इस राज्य में जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग है, जहाँ छापे पड़ते हैं करोड़ों करोड़ के दस्तावेज होते हैं, सरकारी अधिकारी को पार्टी का एक एजेंट बना करके काम करने का सरकार काम कर रही है, उसी प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति का बोलबाला है। अभी आपने देखा होगा, चाहे शिवरात्रि का समय हो, चाहे वो दुर्गा पूजा का समय हो, चाहे गणेश उत्सव का समय हो, चाहे वर्तमान में रामनवमी का समय हो, किस प्रकार से अपराधियों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर हिंदू जनमानस के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और अपराधियों पर, समाज विरोधियों पर यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। हम सबको जानते हैं कि रांची में इसी मेन रोड में हनुमान मंदिर पर हमले हुए, सब लोगों के नाम सरकारी खाते में है, लेकिन सरकार के नेतृत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि अपराधियों को पकड़ पाए। तो ऐसे कई विषयों को लेकर के, खनिज संपदा की तस्करी, ऐसे कई चीज़ों को लेकर के, प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार की कहानी है, ऐसे कई विषयों को लेकर के झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति इस राज्य से निजात मिलनी चाहिए, इस हेमंत सोरेन की सरकार से निजात मिलनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज़ बनकर के सभी बूथों से, 29,446 बूथ हैं, सभी बूथों से, 32,000 के लगभग गांव हैं, सभी गांवों से समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, महिला हो, आदिवासी हो, दलित परिवार हो, सारे लोग मिलकर के इस सरकार के खिलाफ, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और समर्थक मिलकर के, हम सब लोग 11 अप्रैल को डेरा डालो, घेरा डालो, और प्रोजेक्ट बिल्डिंग को हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। और सरकार जो जन विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है, विकास से मुक्त सरकार है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार की ताबूत पर कील ठोकने का हम सब लोग काम करेंगे। आज की बैठक इतनी ही रही, कल भी सांसदों की बैठक दिल्ली में है, इसी विषय पर सांसदों के साथ भी बैठ करके हम विचार करते हैं। आप देखा होगा, इसके पहले भी हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था, मात्र 3 दिन की तैयारी में हम सब लोगों ने एक बहुत ही अच्छा और बेहतर सरकार को घेरने का काम किया था, और सरकार को उस निर्णय से वापस लेने के लिए हम लोगों ने दिवस किया था। आपको स्मरण है, हमारे पास समस्याएं ही आ रही हैं कि जिस प्रकार से उत्साह है इस कार्यक्रम में आने का, सरकार के खिलाफ आक्रोश है, हमारे पास संसाधन का अभाव है। नहीं तो संख्या तो इतनी आए कि रांची की जनसंख्या के बराबर आई, इतना जबरदस्त आक्रोश है। आपने देखा होगा कि संथाल परगना बंद का आह्वान होता है और संथाल परगना बंद हो जाता है, उनकी विधानसभा की पान की दुकानें बंद हो जाती है बरेठ में। इसे समझ आना चाहिए कि जनता कितनी आक्रोशित है, जनता पस्त है और राजा मस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, सवाल छात्रों और मेरा नहीं है, सवाल झारखंड के भविष्य का है, झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो वचन दिया था चुनाव के पहले, मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो को पढ़कर के जनता को बताने का काम कीजिए कि कितना आपने उस मैनिफेस्टो के आधार पर 3 साल में आपने काम किया। सवाल दूसरा था, बच्चे 10 को बंद कर रहे हैं, 11 की रात्रि से लेकर और 10 तक, तो आपको लगता है कि आपके जो कार्यकर्ता या जो लोग दूसरे जगह से आएंगे उनको दिक्कत हो सकता है? नहीं, संसाधन का अभाव है। अगर मान लीजिए किसी प्रखंड से 10,000 लोग आना चाहते हैं, उतनी वाहन की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। सच इस बात का है, इसलिए हम लोगों ने प्रखंडों में आंदोलन किया था। आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं,
264 प्रखंड है, 264 प्रखंडों में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, 282,000 लोग पूरे कार्यक्रम में थे। मेरे पास तो संख्या है, हस्ताक्षर है। उसके अलावा जिले में सभी जिलों में हम लोगों ने 24 जिलों में कार्यक्रम किया था, 173,779 की संख्या में पूरे 24 जिलों में लोग आए थे। अब प्रदेश में आने के पास क्या है कि अगर मान लीजिए साहेबगंज का, राजमहल का इलाका दूर है, आएंगे तो वाहन की व्यवस्था, उतनी वाहन की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। अगल बगल का अगर कोई प्रखंड की बात कीजिएगा, वहाँ पर उतना वाहन ही नहीं है कि वहाँ से लोग आ सके। वाहन जितना है उतना ही लोग आ पाएंगे। बच्चों के बंद को आपका समर्थन रहेगा? इस सरकार के खिलाफ जिन लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा राइट है, हम क्षमा मांगते हैं। राहुल गांधी ऐसे नेता है कि पहले भी वो बेल में ही बाहर थे, पहले भी जमानत में ही थे, और फिर से एक बार नया जमानत मिला है, और इस बार जमानत किन कारणों से मिला है, न्यायालय के निर्णय आए थे, और न्यायालय के निर्णय में था कि आपने पिछड़े समाज को अपमानित करने का काम किया, आपने पिछड़े समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया। और तो और जब जब भी विदेश जाते, एक बार नहीं 7 बार विदेश में मेरे पास प्रमाण है कि भारत माँ को अपमानित करने का काम किया, संसद को अपमानित करने का काम किया, लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया, और न्यायपालिका को अपमानित करने वाला नेता देश में स्वीकार्य नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in